इंग्लिश बोलना है तो बोलो ना, मुश्किल क्या है? इंग्लिश सुनो और इंग्लिश बोलो। याद रखो, जो आप बार बार सुनोगे आप बोलोगे भी वही। वेरी सिंपल, इंग्लिश सुनो बार बार और आप अपने आप को एफर्टलेसली इंग्लिश बोलता पाएंगे। आज हम करेंगे छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं। एक सेंटेंस में दो बार बोलूंगी, आप एक बार ध्यान से सुनो और दूसरी बार मेरे साथ बोलो। इतने सेंटेंसेस ही करके आप इंग्लिश बोलने में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सुमन स्पीक्स में। मैं हूं सुमन बाली, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड इंग्लिश लेक्चरर। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली। मजाक करना बंद करो, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। यह अजीब बात है, इट्स स्ट्रेंज, इट्स स्ट्रेंज। वह आलसी है, ही इज लेजी, ही इज लेजी। लेजी इंग्लिश में आलसी को कहते हैं और ही इज की शॉर्टेंड फॉर्म है। जमकर पार्टी करना, पार्टी हार्ट, पार्टी हार्ट। आनंद लें, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ। चलो पार्टी करते हैं, लेट्स पार्टी, यानी लेट अस पार्टी, लेट्स पार्टी। फिर से शुरू करो, स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर। अरे दोस्त, हे बडी, हे बडी। गुदगुदी मत करो, डोंट टिकल, डोंट टिकल। टिकल गुदगुदी करने को कहते हैं इंग्लिश में। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज। बने रहें, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। अच्छी कमाई करो, अर्न वेल, अर्न वेल। आजाद महसूस करो, फील फ्री, फील फ्री। फ्री होता है आजाद, महसूस करना फील। आजाद महसूस करो, फील फ्री। कौन जीता, हु वन, हु वन। हु कौन को कहते हैं इंग्लिश में, जीता वन, हु वन। उसे चुनौती दो, चैलेंज हिम, चैलेंज हिम। चैलेंज चुनौती देने को कहते हैं और खाली अगर चुनौती नाउन हो तो भी उसके लिए वर्ड चैलेंज ही है। कौन गिरा, हु फेल, हु फेल। मुझे पता था, आई न्यू, आई न्यू। कोई घर पर है, एनीबडी होम, एनीबडी होम। सामान्य, द यूजुअल, द यूजुअल। जैसे कि आमतौर पर होता है, कोई आपसे पूछे कैसे चल रहा है, आप कहते हो द यूजुअल, यानी कि जैसे आमतौर पर होता है। गर्मा गर्म परोसे, सर्व हॉट, सर्व हॉट। यह सही है, दिस वर्क्स, दिस वर्क्स, यानी कि ये काम देता है, ठीक है। और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। वह बेहोश हो गया, ही फेंटेड, ही फेंटेड। फेंट होता है बेहोश होना, बेहोश हो गया, ही फेंटेड। चीखना बंद करो, स्टॉप स्क्रीमिंग, स्टॉप स्क्रीमिंग। इसकी झाड़ पोंछ कर दो, डस्ट इट, डस्ट इट। झाड़ पोंछ करने को डस्टिंग करना कहते हैं, सो वर्ब है डस्ट, डस्ट इट। खुद को तैयार कर लो, प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योरसेल्फ। और गियर अप, गियर अप। इसे स्वीकार करो, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। बीच बीच में हिलाएं, स्टर ओकेजनली, स्टर ओकेजनली। इसे सही करो, करेक्ट इट, करेक्ट इट। इसको विकसित करो, डेवलप इट, डेवलप इट। माँ को गले लगाओ, हग मॉम, हग मॉम। समझे, गॉट इट, गॉट इट।
आप मायने रखते हैं. यू मैटर, यू मैटर. मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माई अपोलॉजीज, माई अपोलॉजीज. हमने ये भी किया है, आई अपोलोजाइज, दोनों ही ठीक है. चलना जारी रखें, कंटिन्यू वॉकिंग, कंटिन्यू वॉकिंग. गाड़ी चलाना जारी रखें, कंटिन्यू ड्राइविंग, कंटिन्यू ड्राइविंग. चलते रहो, कीप गोइंग, कीप गोइंग. पक्का, फॉर श्योर, फॉर श्योर. इसके बदले दूसरा ले लो, एक्सचेंज दिस, एक्सचेंज दिस. कुछ भी ले आओ, गेट एनीथिंग, गेट एनीथिंग. मेरी गलती, माई बैड, माई बैड. मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. आई एम की शॉर्ट एंड फॉर्म है. मुझे पता नहीं, बीट्स मी, बीट्स मी. एग्जाम्पल के लिए देखो, इट बीट्स मी हाउ ही स्टूड फर्स्ट ऑल दो ही हैडंट वर्क्ड हार्ड एट ऑल. तो इसमें यानी मुझे पता नहीं कैसे वो फर्स्ट आ गया जबकि उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी. तुम थके थके लग रहे हो, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड. ये लीजिए, हेयर यू आर, हेयर यू आर. अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस. वॉश होता है धोना और फेस चेहरा. अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस. मिल गया या ये रहा, इसके लिए इंग्लिश में है, हेयर इट इज, हेयर इट इज. अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क. अंधेरा बढ़ता जा रहा है, इट्स गेटिंग डार्कर, इट्स गेटिंग डार्कर. तो यानी पहले से ज्यादा अंधेरा हो रहा है, डार्क के बजाय अब यूज करेंगे डार्कर कंपैरेटिव डिग्री. गर्मी बढ़ रही है, इट्स गेटिंग हॉटर, इट्स गेटिंग हॉटर. वह बूढ़ा हो रहा है, ही इज गेटिंग ओल्ड, ही इज गेटिंग ओल्ड. ये स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें. और हाँ, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. चलो आगे बढ़े अपने काम के साथ. बेहतर होता जा रहा है, इट्स गेटिंग बेटर, इट्स गेटिंग बेटर. बेटर होता है बेहतर, गुड अच्छा, बेटर और अच्छा, बेहतर. बदतर होता जा रहा है, इट्स गेटिंग वर्स, इट्स गेटिंग वर्स. बैड होता है बुरा, वर्स और ज्यादा बुरा यानी बदतर. मुझे तंग करना बंद करो, स्टॉप बगिंग मी, स्टॉप बगिंग मी. और स्टॉप पेस्टरिंग मी, स्टॉप पेस्टरिंग मी. बग करना या पेस्टर करना होता है तंग करना. सो इंग्लिश में आप कह सकते हैं स्टॉप बगिंग मी और स्टॉप पेस्टरिंग मी. मुझे परेशान करना बंद करो, स्टॉप नेगिंग मी, स्टॉप नेगिंग मी. और स्टॉप बॉदरिंग मी, स्टॉप बॉदरिंग मी. नौटंकी करना बंद करो, स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक, स्टॉप बीइंग ड्रामेटिक. पार्क की ओर चलो, वॉक टुवर्ड्स द पार्क, वॉक टुवर्ड्स द पार्क. मुझे जांच करने दो, लेट मी चेक, लेट मी चेक. शरारत करना बंद करो, स्टॉप बीइंग नॉटी, स्टॉप बीइंग नॉटी. और स्टॉप मेकिंग मिस्चिफ, स्टॉप मेकिंग मिस्चिफ. रहने दो वैसा ही, लेट दैट बी, लेट दैट बी. क्या आप झूठ बोल रहे हैं, आर यू लाइंग, आर यू लाइंग. चलो दोपहर का भोजन कर लें, लेट्स ग्रैब लंच, लेट्स ग्रैब लंच. लंच दोपहर का भोजन. एक निवाला ले लो, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट. यह बात रहने दो, लेट इट बी, लेट इट बी. और लेट इट रेस्ट, लेट इट रेस्ट. उसे चिढ़ाना बंद करो,
Stop irritating him. Irritate होता है चिढ़ाना या खिजाना. Stop irritating him. जाने दो. Let it go. Let it go. जाने मत देना या छोड़ना मत. दोनों के लिए. Don't let go. Don't let go. मुझे जाने दो. Let me go. Let me go. चलो कुछ करते हैं. Let's do something. Let's do something. मुझे अंदर आने दो. Let me in. Let me in. चलो शुरू करते हैं. Let's get started. Let's get started. और let us begin. Let us begin. मुझे कहने दो. Let me say. Let me say. Please students, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. फील फ्री टू सजेस्ट भविष्य में आप कैसी वीडियो चाहेंगे. इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछिए, मैं सॉल्व कर दूंगी. मैं बीमार हूं. आई एम सिक. आई एम सिक. दिल रखो यानी हिम्मत रखो. हैव अ हार्ट. हैव अ हार्ट. बचकाना मत बनो. डोंट बी चाइल्डिश. डोंट बी चाइल्डिश. सड़क पार करो. क्रॉस द रोड. क्रॉस द रोड. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. यू आर एब्सोल्यूटली राइट. यू आर एब्सोल्यूटली राइट. क्या आप समझते हैं. डू यू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड होता है समझना. डू यू अंडरस्टैंड. पिताजी कैसे हैं. हाउ इज डैड डूइंग. हाउ इज डैड डूइंग. कर डालो. गो फॉर इट. गो फॉर इट. वह बहुत दूर है. That's too far. That's too far. Far होता है दूर. मुझसे जल्दबाजी मत करवाओ. Don't hurry me. Don't hurry me. यह बहुत ही बड़ा है. It's too big. It's too big. समझाओ उसे. Make him understand. Make him understand. अपने समय का सदुपयोग करो. Utilize your time. Utilize your time. मानना पड़ेगा. I must admit. I must admit. उसने मेरी बात सुन ली. She overheard me. She overheard me. यानी दो या कुछ लोग बात कर रहे हैं, किसी ने चुपचाप उनकी बातें सुन ली चुपके से. So उसको overhear करना कहते हैं. She overheard me. उसे अंदर बुलाओ. Ask him in. Ask him in. पेंसिल को तेज करो. Sharpen the pencil. Sharpen the pencil. Sharp होता है तेज और sharpen तेज करना. वह घबरा गया. He got nervous. He got nervous. मैं सब समझ गई हूँ. I have understood everything. I have understood everything. मैंने नहीं सुना. I didn't hear. I didn't hear. बाद में मिलते हैं. See you later. See you later. उसने गलती कर दी है. He has mistaken. He has mistaken. उसको गाली मत दो. Don't abuse him. Don't abuse him. जाओ और खेलो. Go and play. Go and play. किसी और को ढूंढ लो. Find someone else. Find someone else. मैं प्रयास करूंगा यानी कोशिश करूंगा. I shall try. I shall try. घंटों हो गए. It has been hours. It has been hours. It's किसकी फॉर्म है. It has been. It's been hours. Students, आप ये सारे सेंटेंसेस याद कीजिए और बोल बोलकर देखिए. प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा और इंग्लिश आप इजीली बोल पाओगे. रोज की बोलचाल में ये सेंटेंसेस बोलिए. तब तक मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नए टॉपिक पर नई वीडियो. थैंक यू.